सभी को नमस्कार। आदरणीय चंद्रकांत खेरे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अर्जुन कोतकर, मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सरकार भास्कर राव जी, शिवाजी राव जी, अनुभव गोयल जी प्रोवर्ट से हैं अपने, उज्ज्वल वानकर एसपी साहिबा, राजेश राउत, वैभव लांडगे जो हमारे कुश्ती फेडरेशन से ही हैं, और एडवोकेट विजय कुमार भगत, एडवोकेट अभिषेक भगत, कुणाल भगत और जितने भी यहाँ पे गणमान्य अतिथिगण और जितने भी आए हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आज मेरे को आने का मौका दिया, इतना मान सम्मान दिया। ये जो और सबसे बड़ी बात है कि तो बॉडी पावर करके एक शो इस शो खोली है अभिषेक ने, बहुत अच्छी है क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी कुछ बदलाव है और हमें तो कम चीज़ें लेकर ज़्यादा उसके लिए एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि इतना एक मतलब टाइम होता ना वो चीज़ें मिलती हमें, जैसे प्रोटीन है, शेक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, वो एक समझ की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सुबह शाम कोई बच्चा ट्रेनिंग करता है उसके लिए उसी परफॉर्मेंस बढ़ाने भी वो योगदान करती हैं, और कोई वैसे भी कोई इंसान फिट रहने के लिए प्रैक्टिस करता है तो उसके साथ डाइट बहुत ज़रूरी होती है, और डाइट में सबसे जो अहम रोल होता है वो प्रोटीन का होता है, विटामिन का होता है, क्योंकि इंसान में विटामिन की प्रोटीन की कमी होगी तो वो काफ़ी मतलब हमेशा उसमें एक कमजोरी फील होगी, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आज आगे मैंने बॉडी पावर शो देखी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर तरह की चीज़ें हैं, कोई खिलाड़ी हो या कोई नॉर्मल इंसान हो जिसको अपने बच्चे अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा हो, जो भी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक ये चीज़ें जो खोज लगा के लोगों को एक जागरूक कर रहे हैं, और एक पता होना चाहिए आप जो भी चीज़ लो, आप जो भी चीज़ किसी को दो तो उसको पहले बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जानकारी होगी तभी उसकी उसका ज़्यादा फायदा होता है उस चीज़ का, तभी वो एक सिस्टम से ली जाती है कि प्रोटीन किस टाइम लेना है, विटामिन किस टाइम लेने हैं, और भी जितने भी सप्लीमेंट हैं, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी होगी तो उसका ज़्यादा फायदा होगा, और फिट रहने के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छी डाइट की भी ज़रूरत है। आप ज़्यादा डाइट लोगे तब भी नुकसान होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डाइट नहीं तब भी उसका नुकसान होगा, इसलिए हर चीज़ का कम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई खिलाड़ी है तो उसको उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, उस हिसाब से डाइट लेनी चाहिए, कोई नॉर्मल इंसान है, कोई कम प्रैक्टिस करता है तो उसको उस हिसाब से वो डाइट लेनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे लोगों को जागरूक करते रहें, उनको बताते रहें इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत।